दोस्तों चलिए आज जानते हैं कि क्रिएटिनाइन क्या होता है। क्रिएटिनाइन शरीर द्वारा पैदा किया गया वो वेस्ट मटेरियल होता है जो तब बनता है जब शरीर की अंदरूनी मसल्स नष्ट हो रही हों। हर इंसान के खून में क्रिएटिनाइन की कुछ ना कुछ मात्रा जरूर रहती है, क्योंकि हमारे शरीर के सेल्स मरते और बनते रहते हैं। तो आखिर क्रिएटिनाइन का कोई नॉर्मल लेवल भी होता है? क्रिएटिनाइन का नॉर्मल लेवल आपकी उम्र, जेंडर और शरीर के साइज पर निर्भर करता है। ये इंसानों की नस्ल पर भी असर करता है, यानी कि एक अफ्रीकी इंसान का नॉर्मल क्रिएटिनाइन लेवल एक चाइनीज इंसान के क्रिएटिनाइन लेवल से बिल्कुल अलग होगा। तो क्या आपका डॉक्टर आपके क्रिएटिनाइन को देखकर आपके किडनी की हालत बता सकता है? तो इसका जवाब है सिर्फ कुछ हद तक। सिर्फ क्रिएटिनाइन लेवल देखकर ही किडनी की हेल्थ का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था, ये आपकी एज, सेक्स और बॉडी के साइज पर भी निर्भर करता है। इसलिए क्रिएटिनाइन लेवल के साथ साथ उस इंसान का ईजीएफआर टेस्ट भी कराना चाहिए जो किडनी के हालात ज्यादा अच्छा मात्रा में बताता है। ईजीएफआर क्रिएटिनाइन में कुछ और आंकड़े मिलाकर ही निकाला जा सकता है। तो क्या सिर्फ जीएफआर और क्रिएटिनाइन ही किडनी की हालत बताते हैं? एक और टेस्ट है जो किडनी के हालात सही तरीके से बताता है, जिसे यूरिन टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें एक कप में करीब 2 चम्मच यूरिन ही काफी है। इस यूरिन को लैब में एक तरह के टेस्ट ACR के लिए भेजा जाता है। इस टेस्ट को एल्बिनम टू क्रिएटिनाइन रेशियो भी कहा जाता है। ACR ये बताता है कि आपके शरीर में एल्बिनम नाम का एक प्रोटीन यूरिन के द्वारा कितनी मात्रा में निकल रहा है। अगर 30 मिलीग्राम से ज्यादा है तो आपको किडनी की बीमारी हो सकती है। तो क्या ऐसा और भी कोई टेस्ट है? हाँ, क्यों नहीं। क्रिएटिनाइन से जुड़े 2 टेस्ट होते हैं, एक जिसमें आपके खून में क्रिएटिनाइन की मात्रा को मापा जाता है। खून में क्रिएटिनाइन जांचने वाले टेस्ट को सीरम क्रिएटिनाइन टेस्ट कहा जाता है, और यूरिन में जांचने के लिए 24 घंटे में जितना भी यूरिन निकला हो उन सब को एक कंटेनर में डालकर टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट से ये पता चलता है कि पूरे दिन में कितना क्रिएटिनाइन आपके शरीर से पास हुआ है, और इससे किडनी की हालत का काफी सही अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आपकी किडनी ढंग से काम कर रही है कि नहीं। तो देखा आपने कैसे क्रिएटिनाइन खुद और बाकी टेस्टों के साथ मिलकर आपकी किडनी के बारे में कितना कुछ बता सकता है, यानी कि ये टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने अपना क्रिएटिनाइन लेवल चेक कराया हो और आपकी किडनी में कुछ खराबी निकली तो ये काफी घबराने वाली बात हो सकती है, क्योंकि किडनी की बीमारी इंसान की जिंदगी उथल पुथल कर सकती है। पर परेशान मत होइए, चलिए जानते हैं कर्मा आयुर्वेदा के बारे में, जो पिछले कई दशकों से भारत और दुनिया भर के किडनी पेशेंट्स का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कर रही है। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। जब आए थे रमेश तिवारी जी, उस समय क्या क्या परेशानियां होती थी? परेशानी ये थी कमजोरी ज्यादा थी, वीक मैंने ज्यादा था। उसके बाद में पेशाब जलन, जो जलन मतलब होता है ना, तो दिन मैंने पेशाब करता है और फिर दिन करता है कि फिर जल करेगा, वो चीज नहीं है। बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट आपको लगा। और 80-90 ये था आपका, क्या बोलता है, प्रेशर। अभी कितना आ रहा है? अभी 25-30 मैंने 100-25-30 कंट्रोल हो गया है, काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। क्रिएटिनाइन भी काफ़ी बढ़ा हुआ था आपका रमेश तिवारी जी उस समय? बढ़ा था सर। कितना था क्रिएटिनाइन में? मतलब सर जो आपने टेस्ट कराए हैं क्रिएटिनाइन? हाँ, बड़ा था, 8 था। 8 था। आपके सुपुत्र हैं, परिचय कराइए, कहाँ के रहने वाले निवासी बिहार में? जी मैं बिहार का मुजफ्फरपुर से रहने वाला हूँ। मुजफ्फरपुर से। नाम भी बताएं। मेरा नाम नीरज तिवारी। तो उस समय जब आए थे तब आप देख रहे होंगे अपने जो आपके पिताजी हैं उनको काफ़ी समस्या थी उस समय। जी उस समय दिक्कत थी, खाने में इंजेक्शन नहीं लगे, अभी
जैसे डाइट बताया गया था वैसे खा रहे हैं, तो कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट है। इनका उस समय क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा 8 था और अभी 6.35 इज समथिंग 6.35 जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कितना टाइम हुआ ट्रीटमेंट शुरू कराए हुए? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना ही हुआ है जी। आज पहले तो बढ़ रहा था ये क्रिएटिनिन का? जी पहले बढ़ रहा था। अनुभव बताइए अपना, पहले बढ़ रहा था, खुल के बताएं। उल्टी भी हो रहा था ना, मैंने खाने का दिल नहीं करने से वही करता था। अभी नहीं हो रहा। पहले वॉमिटिंग की सेंसेशन बहुत थी जी, अभी नहीं हो रहा ना इस तरह? अभी नहीं है इस तरह। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको नजर आए हैं और बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। टेस्ट कहाँ से कराए हैं आप? टेस्ट यहीं, मेरा फ्रेंड भी यहाँ डॉक्टर है तो उन्हीं का पास में टेस्ट करवाया। उन्होंने बताया था लैब? हाँ। सजेशन किसने दिया था कौन सी लैब से टेस्ट कराना है? नहीं, वो वहाँ टेस्ट चलता है, उसने नेट से देखे थे। अपने से कराए हैं सर? अपने से, इंटरनेट से, जो अपने से ही आ गया था। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल बाबा खड़क सिंह मार्ग की रिपोर्ट है आरएमएल की, 8 क्रिएटिनिन है इसके अंदर। डेट अगर हम देखें 20/3/2019, क्रिएटिनिन 8 है। और अब उसके बाद ये इनिशियल रिपोर्ट है। वो तो बोला था डायलिसिस करना है, नहीं तो किडनी चेंज करना है। अच्छा, मेरा तो दिमाग खराब था। अच्छा, फिर आप क्या उनको बताए? अभी तो कुछ बताया नहीं, अभी तो सर हम यहाँ आए तो सब मेरा थोड़ा ठीक है सर, रेस्ट है। तो देखा आपने कैसे कर्म आयुर्वेदा ने इस पेशेंट की लाइफ बदल दी। ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप शारीरिक हेल्थ से जुड़े और वीडियोस देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, हेल्दी रहें, खुश रहें। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।